हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और प्रीति वारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ साड़ी के लिए सिंपल एंड इजी एंड सिंपल सा बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, आप बहुत आसानी से बना लोगे। और आपको सिंपली अपने हेयर को ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है इस तरीके से। ओके, दोनों साइड से मैंने इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लिया। बाकी बचे बालों को आपको सिंपली कॉम करना है। ओके, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो, एकदम मीडियम मीडियम मिडल में आपको यहाँ पे पोनी बना लेनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से पोनी बना लेंगी। ओके, पोनी बनाने के बाद से यहाँ से थोड़े थोड़े बालों को इस तरीके से खींच लेंगे ताकि आपके बालों में वॉल्यूम दिखे और वॉल्यूम दिखे और थोड़ा सा हैवी दिखे आपके बाल। उसके बाद से अपने बालों को सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके हल्का हल्का इसको खींचना है ताकि आपका जो बन बने वो थोड़ा सा वॉल्यूम लगे बन में आपकी। उसके बाद इसको सिंपली आपको इस तरीके से राउंड राउंड लपेट देना है, यू पिन की मदद से सेट कर लेना है। इस तरीके से आप चाहो तो बालों को इस तरीके से खींच सकते हो ताकि आपका जो बाल है वो थोड़ा हैवी दिखे। इसके बाद आपके जो फ्रंट के हेयर बचे हैं इनको सिंपली ट्विस्ट करना है इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है और ट्विस्ट करके जाना है। ओके, आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ आपके फेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपको लगे कि आपका फेस फ्रेमिंग जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से आपने लेयर्स को निकाल दो। फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पे हेयर स्टाइल लेके आते रहती हूँ, बताते रहती हूँ, तो आपने देखा नहीं है प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, इस तरीके से ट्विस्ट करके और बैक में ले जाके बॉबी क्लिप की मदद से यहाँ पे सेट कर लेना है। और इन बालों को जो एक्स्ट्रा बाल बचे हैं इनको बन के चारों तरफ लपेट देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से करना है। ओके, यहाँ से इस तरीके से लेयर्स लेते जाइए और साथ में ट्विस्ट करते जाइए। ओके, ट्विस्ट करके हल्का सा पुल मतलब खींच लीजिए बालों को ताकि थोड़ा वॉल्यूम दिखे बालों में। और इसको भी बैक साइड में ले जाके यहाँ पे बॉबी क्लिप की मदद से सेट कर देना है। और एक दो बॉबी क्लिप एक्स्ट्रा में लगा दीजिए आप अपने जूड़े में ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे और खुले ना। ओके, इस तरीके से आपका हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे आपको लगे कि आपका ज़्यादा फ्लैट लग रहा है हेयर, तो आप इस तरीके से हाथों से आगे की तरफ खींच सकते हो। और ये है आपका बन का फाइनल लुक। इस तरीके से आप साड़ी पे बहुत इजीली आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, कहीं भी मार्केट वगैरह जा सकते हो। तो ये है हमारे बन का फाइनल लुक। अगर आपको लगे कि आपका हेयर कहीं से डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो आप टिक टेक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से अपने बालों को यहाँ पे सेट कर दीजिए दोनों साइड से अच्छे से इस तरीके से कॉम करके। जैसे मेरे हेयर है ना ऐसे नीचे की तरफ फ्लैट हो जाते हैं, तो इसको इस तरीके से ऊपर से कॉम करके अच्छे से खींच लीजिए पफ का लुक देते हुए।
और इस तरीके से टाइट करके यहाँ पे आप एक क्लिप लगा दीजिए। और ये है हमारे बन का फाइनल लुक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरीके की इजी हेयर स्टाइल की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।